हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन में। मैंने इस वीडियो में लोकसभा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब लिए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोकसभा द लोअर हाउस, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, और उच्च सदन तो आपको पता है राज्यसभा को कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते होते उस सदन को लोकसभा कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में जल्द पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव किस पद्धति इलेक्शन मैटर मतलब किस मैटर द्वारा कराया जाता है, तो ये आपको पता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है, तो आप देख सकते हैं संविधान मूल संख्या है 552। आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, जो है ए 542 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अग्न भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है, तो आपको पता है लोकसभा में 2 कर सकता है। आगे देखिए, तो लोकसभा में किस आधार पर सीटों को आवंटित होती है, तो राज्यों की जनसंख्या या संख्या के आधार पर किया जाता है लोकसभा की सीटों के आवंटित। जितने ज़्यादा संख्या होगा उतने ज़्यादा वहाँ का लोकसभा सीट होगी। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस पर आधारित है, तो 1971 के जनगणना पे आधारित है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, मतलब मैं बन सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया, तो आर्टिकल 81 में लोकसभा है और 80 में राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 84 में दी गई है। नेक्स्ट है आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का तो आपको पता है 6 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति मैंने जब वो एब्सेंट अनुपस्थिति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपाध्यक्ष, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, बस स्पीकर बोल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर करता है। नेक्स्ट देखिए, तो स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो 10 सदस्यों का पैनल होता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति करेगा। तो आपको बता देना चाहते हैं, जितना भी क्वेश्चन लिया है वो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आप इस वीडियो को देखें 2 से 3 बार, आपको सब क्वेश्चन याद हो, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो आपको पता है राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है।
सॉरी। तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा का सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो दो माह माने 60 डेज ऑप्शन रहेगा लोकसभा में, तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। आपको पता है वित्त विधायक जो होता है फाइनेंशियल, वो भी लोकसभा में ही पारित किया जाता है। देखते हैं आगे, शायद मैंने लिया है क्वेश्चन। तो अविश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अगर किसी भी पार्टी या किसी नेता के खिलाफ होता है तो उस पार्टी के सब सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ेगा अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए। ये किस विधायक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता था? बताया था वित्त विधायक केवल लोकसभा में पारित होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकालीन अवस्था में ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ऐसे भी बहुत बार बढ़ चुका है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने माह के लिए वृद्धि कर सकती है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। भूतपूर्व सांसद सदस्य का पेंशन अवस्था कब लागू की जाती है? कब लागू की गई थी? 1976 में। कौन कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व सबसे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश बोला गया था जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भी है, इसलिए सबसे ज्यादा है वहाँ। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, तीनों में सबसे ज्यादा कम है, सेम है सब में। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी माउंटकर। इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये आज भी चुका है बहुत बार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमार, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहली बार लोकसभा इलेक्शन चुनाव कब कराया गया था? 1951 से 1952 में कराया गया था पहली बार लोकसभा चुनाव। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो एम थम्बू-दोरई। तो लोकसभा को उपाध्यक्ष कौन है? सॉरी, लोकसभा को उपाध्यक्ष कौन है हम लोग? तो एम थम्बू-दोरई। तो अभी तक तो यही है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, या बोल सकते हैं अभी जब तक चुनाव नहीं हुआ इसका, तब तक तो एम थम्बू-दोरई को ही माना जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप बताइएगा, कि अगर आपको राज्यसभा में इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।